आप, आज हम बताएंगे कि गिलोय का काढ़ा किस तरह से बनाया जाता है और सर्दियों में जो हमको बीमारियों का डर रहता है उससे हम किस तरह से छुटकारा पाए। आज हम आपको ऐसे उपाय के बारे में बताएंगे जिससे कि जल्दी से सब बीमारियां, खांसी जुकाम वगैरह खत्म हो जाते हैं। तो चलिए, काढ़ा बनाने के लिए हमको जो सामान चाहिए वो है ये हमने गिलोय लेकर आई थी और इसके हमने धो के टुकड़े करके रखे हुए, आपके घर के आसपास किसी भी पेड़ से हम ये ला सकते हैं गिलोय। और इसमें हम डालेंगे तुलसी के पत्ते 8-10 और ये हमने कुछ अदरक के टुकड़े रखे हुए हैं, उसमें हम थोड़ा सा आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, आधा चम्मच सेंधा नमक, इसमें हमको सादा नमक नहीं डालना, इसमें हम सेंधा नमक डालेंगे। और ये हमने कुछ दालचीनी के टुकड़े रखे हुए हैं और ये हमने आधा चम्मच अजवाइन लिया हुआ है और ये हमने कुछ 8-10 इसमें लौंग है और थोड़ी सी इसमें काली मिर्च है। तो हम इन सबको अलग अलग थोड़ा थोड़ा कूट के रख लेते हैं, इसको ज़्यादा महीन नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा कूटना है। इसके लिए जो हमने मसाले, गिलोय वगैरह, तुलसी के पत्ते, जितना भी सामान निकाला था सबको हमने अलग अलग कूट के रखा है, इसको ज़्यादा महीन नहीं करना है, इस तरह से थोड़ा दरदरा रखना है। तो चलिए, हम सबसे पहले हम इसमें जो हमने एक गिलास पानी लिया हुआ था वो हम डाल के उबलने के लिए रख देते हैं। ये हमने जो एक गिलास छोटा पानी का रखा था वो उबलने लग गया है। हम सबसे पहले जो हमने गिलोय कूट के रखी थी वो हम डाल देंगे इसमें। उसके बाद फिर हमने जो अदरक पीस कर रखी हुई थी वो हम इसमें डाल देंगे। फिर हमने जो काली मिर्च और लौंग दोनों मिला के हमने पीस कर रखा था वो डाल देंगे। ये हमने दालचीनी के कुछ टुकड़े पीस कर रखे थे वो डाल देंगे। थोड़ी सी इसमें 1/4 चम्मच अजवाइन डालेंगे। अरे, जो हमने तुलसी के पत्तों को कूट कर रखा था वो हम डाल देंगे। फिर हम इसमें थोड़ा सा नमक और हम इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे। हमने जो ये एक गिलास पानी रखा है इसको हमको जब तक उबालना है, जब तक ये पानी आधा ना हो जाए, हम गैस धीमी पर इसको जब तक उबालेंगे। चलिए, इसको उबलने के लिए छोड़ देते हैं। ये देखिए, काढ़ा जो हमने गिलोय का बनाया था वो उबल उबल कर हमने यहाँ तक पानी रखा था, ये देखिए उबल उबल के थोड़ा सा रह गया है। चलिए, रेडी हो चुका, हम इसको एक गिलास में छान लेंगे। ये देखिए, हमारा गिलोय का काढ़ा एकदम तैयार है पीने के लिए। इसको हम थोड़ा ठंडा करके गुनगुना गुनगुना ही पिएंगे। अगर घर में 4-5 लोग हैं तो सब लोग 2-2 चम्मच इसमें से पी सकते हैं। और अपने आप को, जो भी आपको सर्दी जुकाम खांसी जो भी आपको परेशानी होगी सर्दी से होने वाली, वो सब खत्म